ब्रेक के बाद स्वागत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया। इस मौके पर सीडीएस ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण और सामाजिक सेवा के अलावा खेल और रोमांचकारी गतिविधियां भी एनसीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने शुक्रवार को दिल्ली में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का दौरा किया। इस मौके पर एनसीसी कैडेटों ने सीडीएस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और जनरल अनिल चौहान ने गार्ड का निरीक्षण किया। कैडेटों को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि प्रशिक्षण और सामाजिक सेवा के अलावा खेल और रोमांचकारी गतिविधियां भी एनसीसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि सुब्रतो कप, हॉकी चैंपियनशिप और मावलंकर जैसी चैंपियनशिप की एनसीसी की उपलब्धियां निश्चित तौर पर सामान्य विद्यार्थियों को एनसीसी में शामिल होने के लिए आकर्षित करेंगी। इंडिया इज अ कंट्री विच इज डाइवर्स एक्चुअली। इट्स डाइवर्सिटी नीड्स नो बाउंड्स एक्चुअली। लुक एट फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, एथनिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू और लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीसी एक्चुअली इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन of what India is in its diversity. The camaraderie, the bonhomie, the unity, the harmony that is promoted by NCC should get infused into the nation and the nation will take a right direction. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के समक्ष एनसीसी कैडेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। यहां दिल्ली निदेशालय के कैडेटों ने अपने कार्यक्रम के जरिए देशभक्ति का एक बेहतर नमूना पेश किया। एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर के अंदर दिल्ली निदेशालय के कैडेटों ने देशभक्ति से भरपूर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। किस तरह का संदेश देने का प्रयास किया? बेसिकली हम लोगों का जो बैले का थीम था वो लाइफ ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन था। उसका हम लोग बेसिकली बता रहे थे कि एक जब फौजी मर जाता है या उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसके पीछे उसकी फैमिली पे क्या क्या बीतती है। कल इनका किरदार निभाया है और यहाँ पर हमें 6 महीने हो गए इस RDC कैंप के लिए तैयारी करते हुए और आज हम CDS सर के आगे अपना परफॉर्मेंस देकर काफ़ी खुश हो। ऐसा लगता है जब कोई जवान अपने फैमिली से दूर जाता है या कुछ हो जाता है, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, शहीद हो जाते हैं, तो वो सब फील करके वो आगे पास ऑन करके ऑडियंस को कि हम उनको एक ट्रिब्यूट दे सकें कि हाँ ऐसा भी होता है। आई कैन कनेक्ट विद द वाइफ जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है इस तरीके से और वो शहीद हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रोल है। इट्स एन ऑनर एंड समृद्धि लो। अगर किसी के फादर शहीद हो जाते हैं दैट्स पूरी फैमिली पे जो बीतती है वो एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता। बट आउट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स अगर उसकी बेटी या कोई भी उनका बच्चा बाहर आता है, स्टैंड करता है कि आई जॉइन आर्मी एज वेल, इट्स अ वेरी गुड थिंग। दिल्ली निदेशालय के कैडेटों ने देशभक्ति से भरपूर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जिसमें दिखाया कि किस तरह पिता के शहीद होने के बावजूद बेटी आर्मी में जाती है और देश की सेवा करने के लिए वो तत्पर दिखाई देती है। कैमरामैन मोहित यूवीके के साथ गिरीश निशाना, DD News, दिल्ली। रोन बोपन्ना।